जारी वोका इंग्लिश एकेडमी की तरफ से टीम के आइकॉन प्लेयर टीम के कैप्टन आमिर ऑन स्ट्राइक। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बैटिंग में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन बॉलिंग की बात की जाए 3 विकेट छटकाई थी, उनका 7 दर है। को ओनर ऑफ लेट्स प्ले टर्फ अजान, तो अजान और साथ ही साथ एक और मैन ऑफ द मैच प्लेयर पेटू। क्या बात है, क्या शुरुआत है, क्या दृश्य है, बिल्कुल स्टंप्स के पीछे से क्या जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। आमिर जैसे बैट्समैन को बिल्कुल डरा दिया है पहली गेंद पर पेटू ने। सिबीच आमिर कहा रुकने वाले थे, बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अब खाता खुलता हुआ टीम ओकैप इंग्लिश एकेडमी का 1 रन के साथ। क्या बात है, इसीलिए इन्हें दिया गया था मैन ऑफ द मैच। क्या जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस है पेटू आफ्ताब। 3 गेंदों में अब तक पावर प्ले जैसी ओवर में, तोड़ू फोड़ू ओवर में अब तक सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किए। तेज तर्रार स्ट्रोक लेकिन संपर्क अच्छा नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पहली ओवर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा अब तक 4 गेंदों में टीम वोकैब इंग्लिश एकेडमी का। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। अगर आमिर दोनों ही गेंदे फेस करेंगे तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे बड़े स्ट्रोक देखने मिलेंगे, चाहे गेंदबाज पेटू हो। बैट्समैन नेम इज आमिर, आइकॉन प्लेयर टीम कैप्टन, व्हाइट बॉल। इसके बाद अगर पेटू यहां पर बॉल पेटू से नहीं टकराती तो जरूर 6 रन की मोहर लग जाती गेंद पर, तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट। 5 रन बचा अपनी टीम के लिए। लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले अजान, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश रहेगी, बिल्कुल कैश करना चाहेंगे लास्ट बॉल को। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन। तो धीमी शुरुआत, कुछ इसी तरह की शुरुआत हुई थी पिछली मैच में, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात की जाए वोकैब इंग्लिश एकेडमी की, तो बहुत ही अच्छी काबिल गेंदबाज इनके पास मौजूद है। तो 40 रन या 45 रन अगर बनाती है वोकैब इंग्लिश एकेडमी, तो माज भाई की ये सेना जरूर एक और मैच में जीत हासिल कर सकती है। अब दूसरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉर्कल जीशान को। मॉर्कल के सामने करेंगे अजान। सिबीच तेज तर्रार स्ट्रोक और गेंद गई है सीधा 6 रनों के लिए। अंपायर, हम लोग विकेट कीपर के पीछे, सभी अंपायर्स विकेट कीपर के पीछे, थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया है। ये वाइड गेंद हो सकती थी लेकिन अजान ने कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वाइड गेंद जरूर हो सकती थी लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते थे, आमिर को स्ट्राइक देना चाहते थे। और बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा क्योंकि आमिर जिस शैली के बल्लेबाज है, बिल्कुल मैच टर्न कर सकते हैं, मैच को कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। तेज तर्रार स्ट्रोक 54, कद छोटा काम बड़ा, लेकिन अब थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर, बिल्कुल 54 बंद हो गई लेकिन इनका सिक्का अभी तक चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है, कद छोटा है, कद कांटे से बहुत छोटे नजर आते हैं, वदूद भी बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर। सिबीच यॉर्कर लैंड डिलीवरी, सिबीच कैच का मौका, आमिर का कैच नहीं है मैच है। बिल्कुल इस तरह के कैचेस आपको पकड़ने होंगे, आपने देखा होगा विराट कोहली ने एक कैच छोड़ा था साउथ अफ्रीका के सामने और वो कैच नहीं मैच छोड़ा था। 5 बॉल 15 रन, लास्ट बॉल टू कम इन दिस ओवर, लास्ट बॉल जीशान का सामना करेंगे अजान। एक बार फिर से दिया था मौका, मौके पे बिल्कुल यहां पर लबैक नहीं का, कैच छूटा है और बल्लेबाजों ने 6 रन यहां पर लूटा है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। इतने आसान मौके अगर आप छोड़ोगे तो जरूर एक डिफरेंस आपको दिखेगा टोटल में। 2 ओवर 21 रन।
सीबी 54 आ चुके स्ट्राइक पर, बिल्कुल मैंने पहले बताया आपको 54 बंद हो चुकी है, लेकिन इनका सिक्का अब तक चल रहा है। क्या फील्डिंग एफर्ट है पेटू का, क्या जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, क्या बात है, बड़ा भाई की फील्डिंग, छोटे भाई की गेंदबाजी, बिल्कुल चाहेंगे कि मेरा छोटा भाई भी किफायती ओवर कर आए, इसीलिए बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंद 54 की, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, यॉर्कर लेंथ गेंद थी। आमिर का बल्ला अब तक शांत रहा है, 7 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ सिंगल निकला है अब तक आमिर के बल्ले से, 7 गेंदों पे 6 रन बनाया आमिर ने, अजान के बल्ले से निकला 2 छक्का। आमिर से जरूर उम्मीद की जा सकती है, टीम के आइकॉन के रूप में इन्हें सिलेक्ट किया गया था, बिल्कुल बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद टकराई अंपायर से, तो अंपायर्स कॉल विल बी फाइनल, तो अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट, प्लीज स्टार्ट द गेम, प्लीज स्टार्ट। स्कोर 2 ओवर 3 बॉल 24 रन्स। सात बॉल पे 16 रन की पारी खेल रहे हैं अजान, अब जाके निकली है डॉट गेंद, तो 8 गेंदों में 16 रन बनाए अब तक अजान ने, जिसमें 2 छक्के लगाए, खूबसूरत छक्के। सिबीच स्टंपिंग का था मौका, इनसाइड एज लगी है, यहां पर मैं 54 की तारीफ करना चाहूंगा, कोई रूम नहीं दे रहा, 1 बॉल आना बाकी है, 5 बॉल। वाइड बॉल, काफी लंबी वाइड, अब थोड़े से दिशा से चूके यहां पे 54, और अंपायर की तरफ से एक वार्निंग दी जा रही है एक्शन के लिए, थोड़ा से ध्यान रखना होगा गेंदबाज को। सिबीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, संपर्क अच्छा नहीं, गेंद किनारा लेती हुई गई है सिर्फ और सिर्फ 1 रन के लिए, वहां पे फील्डिंग एफर्ट बहुत ही बेहतरीन सलमान खान का, तो सलमान भाई की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, 3 ओवर 26 रन, अब तक एक भी विकेट नहीं गिरी है वो कैप फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो बिल्कुल अगर एक भी विकेट नहीं गिरी है तो टोटल काफी कम है, क्योंकि आपके सलामी बल्लेबाज सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं टीम में, 3 ओवर में कम से कम 40-42 रन अगर होते। अब स्ट्राइक पर एमी भाई, गेंद गई है सीधा पेटू के हाथ में, आसान सा तोहफा था, कबूल किया, और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ वो कैब फाइनेंशियल एजुकेशन का, सॉरी वो कैब इंग्लिश एकेडमी का। क्या बात है, आगे बढ़ के बिल्कुल पीछे से आवाज आई थी कि बैट्समैन बहुत ही बेहतरीन है, और क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगा, आगे बढ़ के हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, क्या जबरदस्त छक्का लगाया, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। फिर से एक बार वाइड बॉल, गेंद में सब चीज बराबर है, सिर्फ टर्न की कमी, अगर थोड़ी सी टर्न होगी यहाँ पे गेंद तो जरूर
इफेक्टिव होगी इसी के बीच एक बार फिर से व्हाइट बॉल लगातार बैक टू बैक हैट्रिक ऑफ व्हाइट्स। फिर से एक बार सलमान के बल्ले से निकलता हुआ धुआंधार स्ट्रोक गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। तीन ओवर तीन बॉल 40 रन्स। बिल्कुल सलमान ने आते साथ ही टीम वोकैब इंग्लिश एकेडमी में डाल दी है जान। बिल्कुल आते साथ लगाए एक चौका एक छक्का दो गेंदों पर अब तक बनाए सलमान ने 10 रन। नो बॉल। इम्मी भाई पूरी तरह से लाइन लेंथ अब इम्मी भाई की भटक चुकी है पूरी तरह से हावी हो चुके सलमान अब इम्मी भाई पर। गेंद गई है एक रन के लिए दूसरे रन की कोशिश। आमिर अब तक 8 गेंदों पे 7 रन बनाए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। 2 छक्के और जीत की तरफ एक कदम और बढ़ जाएगी टीम वोकैब इंग्लिश एकेडमी। चौवालीस रन 3 ओवर 5 बॉल 44 रन। इंपैक्टफुल बैटिंग रही है पर सलमान की 4 गेंदों पे 11 रन बनाए सलमान ने। इम्मी भाई ने 5 गेंदों पे 18 रन खर्च किए एक विकेट छटकाई। आखिरी गेंद पे क्या आमिर छक्का लगाने में कामयाब रहेंगे। व्हाइट बॉल वन लास्ट टाइम एक आखिरी मौका एक आखिरी गेंद। इम्मी भाई की एक्स्ट्रास हैट्रिक ऑफ वाइट्स 5 गेंदों में 21 रन खर्च किया अब तक इम्मी भाई ने। एक आखिरी गेंद करनी है सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी यहां पर इम्मी भाई को। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद आमिर के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक एक रन बड़ी आसानी से पूरा किया। तो 2 रन लास्ट बॉल पे लक्ष्य है 4 ओवर में 50 रन 4 ओवर 50 रन। फिफ्टी रन का टारगेट रखा है 4 ओवर में 50 रन टू विन। तो जिस तरह की शुरुआत हुई थी उस तरह का अंत बिल्कुल नहीं हुआ है। सलमान का बहुत ही अच्छा इंपैक्ट बैटिंग परफॉर्मेंस 4 गेंदों पे बनाए सलमान ने 11 रन और टीम ने बनाए टोटल 49 रन। तो जिस तरह की गेंदबाजी है उनके पास आमिर है माज है अयूब है और भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज उनके पास मौजूद है। तो 50 रन एक अच्छा टोटल होगा। डिफेंडेबल अजमल भी है बिल्कुल अजमल 11th मैन थे टीम के लेकिन आज उन्हें टीम में शामिल किया गया है नौमान की बदला खेलते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल आसिफ भाई पता बताया जा रहा है वदूद बोल रहे कि एक झूठ बोल दो कि आसिफ भाई ने मेरे 500 रुपए लिए बल्कि मैंने देखा कि तुमने आसिफ भाई के पैसे की 20 रुपए की चाय पिया वदूद। बैट्समैन भेजना है प्लीज पेटू 50 रन का 51 रन हो जाएगा भाई। फोटो खींचा ले एकदम टीम कोडर्स अपने सलामी जोड़ी को मैदान के बीच में भेजना है जल्द से जल्द मैच की होगी शुरुआत। 10:04 पे मैच की हो रही है शुरुआत 10:19 पे आपको मैच समाप्त करना है वरना मास भाई आपकी टीम को 6 रन की पेनल्टी मिलेगी। आप कमिटी वाले हो 3 रन नहीं 6 रन आपको और ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा बिल्कुल रेडी है यस मास भाई की टीम रेडी है। बिल्कुल पेटू पहली ओवर पहली बैटिंग ऑलराउंड प्लेयर सामना करेंगे आमिर का।
बहुत ही अच्छी शुरुआत, तेज तर्रार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पेटू का साथ दे रहे दाऊद, बहुत ही अच्छी गेंद आमिर की, बहुत ही जबरदस्त गेंद, कोई मौका नहीं, गेंद में प्रॉपर पेस, प्रॉपर लाइन, प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर टर्न, एक प्रॉपर गेंदबाजी करते हुए आमिर बल्लेबाजी में खासा प्रभावित नहीं किया आज, छक्के नहीं लगा पाए, लेकिन गेंदबाजी के दम पर बहुत प्रभावित किया, एक मैन ऑफ द मैच, जीत चुके हैं दूसरे की तलाश में। सिबीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, दिशा नहीं दे पाए, पेटू, पेटू से की जा रही है उम्मीद, पावर प्ले का फायदा उठाएंगे पेटू, लेकिन सामना बड़ा है, मुश्किल बड़ी है, दिक्कतें बड़ी है, सामना करेंगे आमिर का। वाइट बॉल, क्या बात है यार, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, ये विकेट आमिर के खाते में नहीं, फील्डिंग के खाते में जाके, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या फील्डिंग एफर्ट है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट नबील का, नबील हवा, क्या बात है, हवा में एकदम उड़ गए थे, एकदम झूम गए थे, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, यस विकेट लिखा जाना चाहिए यहां पर फील्डिंग के खाते में। चार बॉल चार रन, पेटू पहला छक्का की तलाश में, पहले छक्के की तलाश में, अब तक दो अच्छे स्ट्रोक्स निकले लेकिन छह रन नहीं लगा इस बार, नो बाहर से नहीं बोलना है, अगर टीम के लोग नो बोलेंगे तो पेनल्टी मिल सकती है, प्लीज नो नहीं बोलना है, कोई डिसीजन है, यस यस प्लीज, इमी भाई नहीं, कोई भी नहीं, नो नहीं, दो नहीं, पांच बॉल दस रन, नो नहीं है, भाई प्लेयर्स थोड़े से राइट में चले जाओ प्लीज, वो क्या इंग्लिश अकेडमी, प्लीज नो वगैरह नहीं बोलना है, प्लीज नो, दो कुछ नहीं बोलना, अच्छा मैच चल रहा है, अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, मैच लाइव है, क्या बात है, मास भाई ने पूरा प्रेशर अब्सॉर्ब कर लिया गेंद का, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 11 रन्स, अब मैच का इक्वेशन है, गेंदे बची 18, जीत के लिए चाहिए 39 रन्स। तो मास्टर आ चुके गेंदबाजी कमान पर, कुछ अलग ढंग से गेंदबाजी करने की कोशिश है, अंपायर का इशारा नो बॉल, बिल्कुल जरूर आप इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर होंगे लेकिन रूल्स आर रूल्स, अगर मास सर यहाँ पे तीन वाइट से कम में ओवर करते हैं तो मास भाई की तरफ से बिल्कुल एक एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ दिया जाएगा आपको। इसी बीच क्या बात है, कुलदीप यादव की याद दिलाते हुए फ्लाइटेड डिलीवरी, हरभजन सिंह स्टाइल, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी मास सर की, डॉट बॉल, क्या बात है, एक्शन एक है टर्न दो है, एक ही टर्न में दोनों एक्शन करके मास्टर पूरी तरह से कंफ्यूज करते हुए बल्लेबाज को, चार गेंदों में इस वाइड को मिलाकर चार रन खर्च किए थे मास्टर ने, बिल्कुल मास्टर की गेंदबाजी की यह तारीफ है कि उनको खुद को नहीं पता होता गेंद किस तरह और कांटा बदलेगी, तो प्रशंसा करना चाहूंगा मास्टर की, बिल्कुल सरप्राइज डिलीवरी, सरप्राइज पैकेज, पांच बॉल में छह रन खर्च किए अब तक मास्टर ने, पास की
तो बिल्कुल मास की ये क्या स्ट्रेटेजी काम आई है इस क्रिटिकल मैच में। मैं आपको दो इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताना चाहूंगा। टर्फ क्रिकेट के इतिहास में चार ओवर का मैच था, एक टीम ने बनाए 113 रन, 114 का लक्ष्य था और वो टीम ने चेस करी 114 रन का लक्ष्य, और उसमें सबसे बड़ा रोल था वदूत का जिन्होंने एक ओवर में 35 वाइड, 35 वाइड और 6 रन, टोटल 41 रन का ओवर था वो। और मास सर की स्ट्रेटेजी थी कि अपने शिरोन को खिलाना है, आग दिखा के डराना है और मैच जिताना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी काम आई, अपने शिरोन को डरा दिया पूरी तरह से मास सर ने। अजमल, अजमल आ चुके गेंदबाजी कमान पर, तीसरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अजमल को। बिल्कुल अलग ढंग से एक्शन करते हुए अजमल, पेटू है स्ट्राइक पर, पेटू के कांधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12 गेंदे 33 रन। आउट, यहां पर अयान अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए, पेटू है स्ट्राइक पर और पेटू का साथ देंगे मॉर्कल। क्या बात है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी साबित हो सकती है अगर मैच को जिताएंगे। 11 बॉल 30 रन। पेटू, पेटू के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तक मुस्कुरा रहे, क्या मुस्कुरा कर जीता कर जाएंगे, सामना करेंगे अजमल का। बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग यहां पर अय्यूब की, विकेट तो ऐसी उड़ाई है बिल्कुल। तो मास्टर आपके बच्चे 6 मिनट, 6 मिनट में इनिंग्स खत्म करना है, आपको डबल पेनल्टी मिल सकती है, आप कमिटी के ऑर्गेनाइजर हो। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा फील्डिंग, क्या बात है, इसे कहते हैं निगोचा। बिल्कुल क्या जबरदस्त थ्रो की है, और निगोचा ने यहां पर विकेट चटका है पेटू का, पेटू जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक टिके हुए थे, अपने विकेट को संभाला था, अब रनआउट के रूप में लौटना होगा पेटू को। गेंदे बची है 3, जीत के लिए चाहिए 29 रन, 9 बॉल 29 रन। क्या बात है, बिल्कुल हाथ को घुमाया, उंगलियों को घुमाया, बॉल को घुमाया, गेंद गई है डॉट के रूप में। डायरेक्ट हिट, अगर डायरेक्ट हिट होती तो जरूर कुछ रिजल्ट में निकलता, लेकिन नट आउट, एक रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस आखिरी गेंद पर छक्का लगाना बहुत जरूरी है, तो ये मोहम्मद नवाज का ओवर बन जाएगा, वरना ये ओवर आपको बहुत भारी पड़ेगा आखिर में। इसी बीच एक और वाइट बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंद चवन्नी के पास, कोई जवाब नहीं, 6 बॉल 27 रन। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आता हुआ, क्या बात है, स्लिप का फील्डर टर्फ क्रिकेट में इसलिए लगाया जाता है, बहुत ही अच्छा कैच, अलर्ट फील्डर, कैच आई, कैच कंप्लीट किया, और बिल्कुल अब मैच में महज और महज औपचारिकता बाकी, हर एक गेंद पे आपको लगाने होंगे छक्के अगर मैच को जीतना है। इम्मी भाई के हर गेंद पे छक्के लगाने होंगे इम्मी भाई को, पहला छक्का हो सकता है लेकिन पहला चौका तो निकल चुका है। 4 बॉल 23 रन।
खेलो खेलो उम्मीद भाई। अच्छा प्लेयर नहीं आया, सॉरी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल प्लेयर नहीं आया, नॉन स्ट्राइक का प्लेयर नहीं आया भाई। नेक्स्ट मैच टीम कोडर्स वॉज एस टीम फाइनेंशियल, वो क्या फाइनेंशियल एजुकेशन, दोनों टीम को आना है। तो ऑब्वियस जिंदानी टीम वो क्या फाइनेंशियल एजुकेशन के कप्तान ग्राउंड के बीच में आ चुके हैं, और टीम कोडर्स कैप्टन, टीम कोडर्स के कैप्टन इम्मी भाई। बिल्कुल आवेश कैमरा यहाँ पर है, नहीं नहीं आवेश फोटो खिंचाने चले गए थे वहां पे, आवेश जरूर आपका फोटो लेंगे, ऐसा काम किया आपने। आसिफ भाई बीच में आना है, कौन लेगा कॉल, इम्मी भाई हेड्स इज द कॉल, इम्मी भाई डिसीजन खाली, फील्डिंग फील्डिंग करने का निर्णय लिया, जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाना है। आवेश जिंदानी